माइक्रोवेव में घी निकालने के लिए सबसे पहले एक माइक्रोवेव से बोल में 2 कप मलाई ले लेंगे। इसे हम 100 पावर पर 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। मलाई ज़्यादा हो तो टाइम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोल अगर बड़ा लेंगे तो स्प्लिट कम या बिल्कुल नहीं होगा। मैं यहाँ अलग अलग स्टेजेस आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएं। और ये देखिए, घर का प्योर घी बन करके रेडी है। गैस पर जब भी हम घी निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा या तो बर्तन हमारा जल जाता है और बहुत टाइम लगता है, लेकिन माइक्रोवेव में केवल 10 मिनट्स के अंदर ही घी निकल करके रेडी हो जाता है। सोया चाप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सोया चाप ली है, जिसे हम ऐसे कट कर लेंगे, साफ पानी से वॉश कर लें, फिर कट करें। एक बोल में 2 चम्मच दही और 3 चम्मच मलाई ले लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, फाइनली चॉप ग्रीन चिली, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद चाप के पीसेस के साथ ही ऑनियन और शिमला मिर्च को भी ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे 10 मिनट के लिए। इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। क्रिस्पी ट्रे में ऑयल अप्लाई करेंगे और ये मैरिनेट हो चुका है। इसे स्क्रीवर में इस तरह अरेंज कर लेंगे और माइक्रोवेव को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लेंगे और इस चाप को टर्न टेबल पर रख देंगे। इसे हम ग्रिल मोड पर 40 मिनट्स के लिए इसे ग्रिल कर लेंगे और चाप हमारे रोस्ट हो गए हैं। और जो हमारा मैरिनेशन बचा हुआ है उसमें ये रोस्टेड चाप को ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसे फिर से माइक्रोवेव में रख देंगे। फिर से इसे माइक्रोवेव की हाई पावर पर 5 मिनट्स के लिए इसे कुक कर लेंगे। 5 मिनट्स के बाद गर्मा गर्म मलाई चाप रेडी है, जिसे आप माइक्रोवेव में बड़े ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। सर्व करें इस टेस्टी मलाई चाप को चटनी और सलाद के साथ। बेबी कॉर्न को आप माइक्रोवेव में कैसे बना सकते हैं, आज हम इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। बटर है उसे अप्लाई करेंगे। मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लेंगे। गार्लिक ऐड करेंगे जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप यहाँ पर फाइनली चॉप भी यूज़ कर सकते हैं। ओरिगैनो को ऐड कर लेंगे। चिली फ्लेक्स को ऐड करेंगे और सॉल्ट को ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये मैंने बेबी कॉर्न को सीजनिंग के साथ रेडी कर लिया है। तो चलिए इसे ओवन के अंदर रखते हैं और उसे कुक कर लेंगे। तो माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड सेट कर लेते हैं। 170 डिग्री का टेम्परेचर सेट करेंगे और टाइम लगाएंगे 8 मिनट। स्टार्ट बटन प्रेस कर लेंगे। तो आप इस बेबी कॉर्न को सीजनिंग और सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। 1 कप हम यहाँ पर हल्का गुनगुना वाटर ले लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड करेंगे, पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर ड्राई ईस्ट ऐड करेंगे। अब हम इस बोल को 10 मिनट के लिए ऐसे ही कवर करके छोड़ देंगे और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपने ईस्ट को चेक करेंगे। यहाँ पर 2 कप प्लेन फ्लार यानी मैदा ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम इसे किसी गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये डो हमारा अच्छे से फूल जाए प्री हीट के लिए। तो यहाँ पर हम 8 नंबर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डो अच्छे से फूल गया है। तो इस क्लीन रैप को हम हटा लेंगे। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, फाइनली चॉप ऑनियन ऐड करेंगे, ग्रीन चिली ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर काला नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और अब हम यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करनी है। और अब हमने जो नान की स्टफिंग बनाई है उसे इसमें ऐड करेंगे। के ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम सेसमे सीड्स स्प्रिंकल कर देंगे, कलौंजी। इसे बेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को 1 बार प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर 180 डिग्री हम सेलेक्ट कर लेंगे। 10 से 12 मिनट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 12 मिनट हम एंटर कर देते हैं। तो 1 प्रेस करेंगे, 200 स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। और ये देखिए हमारी नान यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुकी है। काजू के मोदक बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 200 ग्राम काजू। तो चलिए इसे ग्राइंड करके हम इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। काजू यहाँ पर अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं।
माइक्रोवेव से बोल लेंगे क्योंकि हम इस मोदक को अपने माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं। 2 कप शुगर ऐड करेंगे, 1/2 कप वाटर ऐड करेंगे। बोल को हम माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं। माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। स्टर कर लेते हैं। फिर से इसे माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। और ये हमारी एक तार की चाशनी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस बोल को माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर रोज एसेंस ऐड करेंगे। अब हमने जो काजू को ग्राइंड करके रखा था उसे इस चाशनी में ऐड करेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर को भी ऐड कर देंगे और इस मिल्क पाउडर को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, 2 के फॉर्म में सेट हो रहा है। तो चलिए इसे हम मोल्ड में डालकर मोदक को प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके बीच में हम एक पिस्ते को डाल देंगे। चांदी के वर्क को इस मोदक के ऊपर लगा देते हैं। इसे कलर बॉल से सजाएंगे। लौकी को माइक्रोवेव में रोस्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसकी टिप वाले पोर्शन को और बैक वाले पोर्शन को निकाल कर इसे पील कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पर ग्रिल स्टैंड रख रही हूँ। इसे मैं ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर इसे मैं 25 मिनट के लिए इसे रोस्ट करूँगी, वो भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और बीच बीच में आप इसे चेक कर सकते हैं। और ये लौकी रोस्ट होकर के रेडी है, इसे पील कर लेंगे और आप इसका भरता बना सकते हैं। और इसे रोस्ट करने के बाद जो भरता प्रिपेयर होता है बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।